हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के स्टैंडर्ड सवाल को करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है। ठीक ना, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ऑप्टिक्स का। इसमें क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका 2 मीटर लेंथ है और उसके सामने ये डी डिस्टेंस पर, ठीक है, एक मिरर है जो कि ग्राउंड से 0.6 मीटर का हाइट पे है और मिरर का लेंथ है 0.8 मीटर। हमसे पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट इमेज ये खुद देख पाएगा। ठीक ना, हम लोग जानते हैं कि पूरा इमेज देखने के लिए h/2 हाइट ऊपर रहना चाहिए मिरर और h/2 लेंथ का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो वाला कंडीशन नहीं है, तो पूरा इमेज नहीं दिखेगा। तो कितना पार्ट इमेज दिखेगा वो हमको बताना है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग रे डायग्राम बनाएं, उसके बाद आराम से निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा के, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा एंड वी हैव नॉट मच टाइम। सो अब इसको करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक ना, और वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ट्रिक में सबसे पहले करना क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ है उसका आधा लेंथ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, चुपचाप आँख बंद करके खींच दी। ठीक ना, तो ये लेंथ 1 मीटर हो जाएगा अब। ठीक ना, ये 1, तो ये यहाँ पर भी ये 1 और ये 0.6 दिया हुआ था, तो ये वाला जो मिरर का लेंथ है ये वाला, ये 0.4 हो जाएगा और टोटल लेंथ था 0.8 और ये 0.4 है, तो ये ऊपर वाला भी 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम देखने से बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन डायग्राम पे ना जाएं, भावनाओं को समझें। ठीक ना, तो ये 0.4 हो जाएगा। अब काम का मिरर जो भी होता है, ठीक ना, जिससे हमको इमेज दिखता है वो h/2 हाइट के बाद ही होता है। ठीक ना, तो अब हमको इमेज किससे दिखेगा, ये वाला से दिखेगा। ठीक ना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो, क्योंकि ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए यू कैन रिवाइज कि कितना मिरर का लेंथ और कितना हाइट ऊपर रहता है तो फुल इमेज दिखता है। ठीक ना, तो ट्रिक्स, ठीक ना, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मान लो, उसके बाद जाके रिवाइज करो, सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसको इतना इजी तरीके से आपके सामने रख देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो इतना इजी है। ठीक ना, तो अब ये तो 0.4 मीटर हो गया, इमेज तो इसी मिरर से बनेगा। ठीक ना, कैसे बनेगा वो एक बार रे डायग्राम खुद से रिवाइज कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो भी h/2 हाइट इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट एच है, तो जो भी h/2 हाइट के ऊपर होगा उसको हम काम का मिरर बोलते हैं। ठीक ना, ये जो हो गया ये वाला 0.4 मीटर का मिरर, ठीक ना, ये हो गया काम का मिरर। ठीक ना, अब इमेज का कितना लेंथ सीन होगा, कितना पार्ट सीन होगा, वो काम का मिरर का दुगुना होगा। बात खत्म यहीं पे। ठीक ना, तो लेंथ ऑफ इमेज सीन बराबर 2 × लेंथ ऑफ काम का मीटर कितना हो जाएगा, 2 × 0.4 बराबर 0.8 मीटर का इमेज सीन होगा। कैसे, यहाँ पे ये डी डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर भी ये डी डिस्टेंस का एक बन जाएगा, ये मान लो इमेज बन गया। ठीक ना, डी डिस्टेंस का इमेज बन गया। ठीक ना, अब इसका जो होगा रे डायग्राम से हम देखेंगे कि जो पार्ट में ये आया है ये वाला पार्ट ही सीन होगा और इसका लेंथ होगा 0.8 मीटर, बस इतना पार्ट ही सीन होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में तो आराम से पूछेगा, नीट में तो आँख बंद करके पूछवे करेगा, एडवांस में भी कभी कभी एक बार पूछा था एडवांस में भी, ठीक ना, बहुत पहले। ठीक ना, तो इजी टॉपिक है लेकिन इसको बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक ना, इसीलिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है कि जो भी काम का मिरर है उसका दुगुना कर दीजिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि फ्लोर का दर्शन कब होगा। ठीक ना, ये फ्लोर है, इसका दर्शन कब होगा, तो इसमें सिंपल बात है, जब h/2 ये वाला काम का मिरर है ना, इस लाइन के नीचे अगर मिरर थोड़ा सा भी पच गया तो फ्लोर का दर्शन होगा, और ये वाला लाइन के ऊपर चल गया थोड़ा सा तो मिरर तो भी h/2 तो भी फ्लोर का दर्शन होगा। ठीक ना, अगर मिरर यहाँ पर रहता थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा बड़ा रहता तो भी फ्लोर का दर्शन होगा, और यहाँ पे आ गया तो भी फ्लोर का दर्शन होगा, तो इस केस में फ्लोर का दर्शन होगा। ठीक ना, और कबर इस दोनों लाइन के बीच में है तो फ्लोर का दर्शन नहीं होगा, बस बात इतना सा है। ठीक ना, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ऐसे ही अवेशन ट्रिक्स के लिए। ठीक ना, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।